हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस थ्योरेटिकल सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पाइथन एक्सप्रेशंस पढ़ा था, जिसमें हमने एक्सप्रेशंस को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे आइडेंटिफायर, लिटरल्स और ऑपरेटर। मैंने आपको सिंपली बताया था कि जैसे c इक्वल टू ए प्लस बी, हमेशा एक्सप्रेशन एक वैल्यू को होल्ड अप करते हैं, रिटर्न करते हैं हमेशा, ठीक है। तो वहाँ पर जो c और a और b है, तो ये वेरिएबल नेम्स है, यानी आइडेंटिफायर नेम्स है, प्लस ऑपरेटर है, और c चूँकि एक वैल्यू को होल्ड अप कर रहा है जो a प्लस बी से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस होता है, ठीक। इसके अलावा हमने लिस्ट कंप्रेशंस और डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन, जनरेटर एक्सप्रेशंस और कंडीशनल एक्सप्रेशंस पढ़े थे। आज हम इस सेशन में लाइन इंडेंटेशंस, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, क्वेटेशंस, कमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स एंड वेरिएबल्स, ये जो भी चीज़ें हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके जो होम एग्जामिनेशन यानी AKTU की जो एग्जामिनेशन है, उसमें हमेशा इन चीज़ों से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं, एक शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट में आपसे यहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं अधिकतर। सो कंटिन्यू। तो लाइन एंड इंडेंटेशन यानी पाइथन डज नॉट यूज़ एब्रेसेस। जैसा कि हमने जब पाइथन की स्टार्टिंग की थी, तो हमने आपको बताया था कि पाइथन कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करता, उसकी जगह जो ब्लॉक्स ऑफ कोड्स होते हैं, फंक्शन और फ्लो ऑफ कंट्रोल को कौन कंट्रोल करता है, यानी इंडेंटेशंस, यानी ब्लॉक्स ऑफ कोड्स आर डिनोटेड बाय द लाइन इंडेंटेशन व्हिच इज रिजिडली एनफोर्स्ड, यानी ये कंपल्सरी है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ स्पेसेस इन द इंडेंटेशंस is variable but all statement within a block must be indent the same amount। यानी कि जब हम कभी variables या कोई definitions या class में actually क्या है कि block of quotes होते हैं, तो वहाँ पर जब हम कभी block of quotes बनाए या class क्या बनाए, function या class में function बनाए, तो उसमें जो function जो सेटेड होंगे, यानी जो स्टेटमेंट हमारे रखे जाएंगे, वो विद इंडेंटेशंस होंगे। वैसे देखा जाए तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ स्टेटमेंट, जैसे एफ का स्टेटमेंट आप लिखेंगे कभी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो कर्सर की पोजीशन होती है वो एफ पर ही दिखाता है। वैसे तो आप इफ स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमेशा जब इसका अंदर का जो स्टेटमेंट होगा वो हमेशा इंडेंटेशंस को फॉलो कर रहा होगा, यानी आगे के जो स्टेटमेंट होगा प्रिंट का, जैसे हमने लिखा यहाँ पर प्रिंट ट्रू, तो ये अंदर की तरफ आएगा। ऐसे ही एल्स और एफ हमेशा एक लाइन पर होंगे, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि जहाँ से इफ स्टार्ट होगा वहीं से एल्स स्टार्ट होगा, और जहाँ से इफ का स्टेटमेंट स्टार्ट होगा वहाँ से एल्स का स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसे C++ या जावा में हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते थे, सो पाइथन में इंडेंटेशंस का यूज़ होता है। कुछ ऐसे ब्लॉक्स ऑफ कोड्स हैं जो एरर जनरेट कर सकते हैं, जैसे इफ ट्रू, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट आंसर द ट्रू एंड एल्स प्रिंट देन आंसर फॉल्स, देन एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है जो इस तरह के ब्लॉक ऑफ कोड्स में क्या करते हैं कि एरर्स को जनरेट करते हैं, ठीक। अब बात आती है कि मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स। तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स यानी स्टेटमेंट इन द पाइथन टिपिकली एंड विथ अ न्यू लाइन, ठीक है। पाइथन्स हाउ एवर अलाउ द यूज ऑफ लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर्स, यानी अगर हम कोई कंटिन्यूएशन पे लिखना है तो हमें बैक स्लैश टू डिनोट दैट द लाइन शुड कंटिन्यू, यानी आप जहाँ पर भी बैक स्लैश लगाते जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, आपका जो आइटम है वो ये दिखाएगा कि ये कंटिन्यूएशन पर है, ओके। तो द स्टेटमेंट कंटेन अ विथ स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस एंड स्मॉल ब्रैकेट टू डज नॉट नीड टू यूज द लाइन कंटिन्यूएशन, एंड लाइन कंटिन्यूएशन के